बैक, ब्रेक से वापस आ गई हूँ आपके पास, तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसनैन खालिद। क्या करते हो हसनैन? स्टडी करते हो? पढ़ रहे हो? मैट्रिक में। फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स? वाओ। और बुरा कौन सा लगता है? बुरा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। चलो सवाल करो। जी करो। मुझे बताओ दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड कौन सा है? पानी। पानी तो नहीं महंगा अभी तक, लेकिन आगे जाके हो सकता है। ना ना करे। चलो अभी का बताओ ना। मैंने दुनिया का पूछा, पाकिस्तान का नहीं पूछा। दुनिया में बहुत जगह पानी बहुत इजी टू एक्सेस है, बहुत सी जगहों पे, तो दुनिया का मैंने पूछा। महंगा तो नहीं लिक्विड, नो आइडिया। आप उससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हो। महंगा तरीन लिक्विड? सवाल से रिलेटेड सवाल किया करो, आप पूछो मुझसे उससे रिलेटेड कुछ भी। इसका आंसर बता दें। आंसर क्यों बताऊं? उससे रिलेटेड मैंने कहा पूछो, ये नहीं पूछा उसका जवाब पूछ। उससे रिलेटेड भी पूछ। ह्यूमन उसको यूज करते हैं, कौन यूज करता है, साइज क्या है, कोई चीज तुम पूछ सकते हो ना। लिक्विड का तो साइज होता ही नहीं। नहीं मैंने कहा ना सबसे महंगा है, तो आप बोलो कितना महंगा खरीद सकते हैं हम। जैसे पानी गैलन्स में आप लेते हो। केमिकल है या? अच्छा केमिकल नहीं है, और वो आप गैलन में नहीं खरीदते हो, वो थोड़ा थोड़ा खरीदते हो। और वो यूज किस लिए होता है? ह्यूमन यूज करते हैं। ह्यूमन यूज करते हैं मोस्टली। होता तो वो हर एक के पास है, लेकिन अभी आपके पास होगा वो इस टाइम। इस टाइम होगा। काफी थिक होता है, गाढ़ा होता है। इस टाइम होगा, काफी थिक होता है। नहीं पता मेरा। चलो क्या सुनाओगे? मैं पोइट्री। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब की सी है। चश्मे दिल खोल उस भी आलिम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। आतिश है गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। वाह, ये मीर तक की मीठी गजल है। मीर तक की मीठी गजल। वाओ, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, वेलकम जी। अल्लाह हाफिज़। बच्चे ने जो है वो बहुत अच्छी जो है वो पोइट्री सुनाई, मुझे उसकी पोइट्री बहुत अच्छी लगी, और वैसे भी मीर तक की मीर की है। और कुछ शेर होते हैं जो बहुत आपको याद रह जाते हैं। मुझे एक शेर है जो बड़ा पसंद है, वो ये था कि उनके आ जाने से आ जाती है चेहरे पे बहार, वो कहते हैं मरीज़ का हाल अच्छा है। वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जिसको आप पसंद करते हो, अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप फ्रेश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं अब आप तो ठीक हो गए, तो ठीक नहीं हो गए, ये आपको एक फीलिंग होती है। और ये शेर मुझे मेरे पापा जो हैं वो सुनाते थे जब वो थोड़े बीमार हो गए थे थोड़े से, उनको तो तब मैं आती थी तो वो मुझे ये कहते थे, तो आई जस्ट लव डेड, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सो आई लव यू पापा, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम यासिर पाशा। फिजा। वाओ, हेयर्स क्या लगाती हो? आई डोंट नो व्हाट माय मदर नोज द सीक्रेट। ओके ठीक है, उनसे पूछते हैं हम। आप क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। ये आपकी प्रॉपर्टी का? ये आपकी? मेरी भांजी है। भांजी है आपकी? ओके, बहन भाई लग रहे थे मैं इसलिए पूछ रही थी। चले जी, भांजी है। मामू? हां जी मामू। तंग करते हैं मामू? बहुत। कैसे तंग करते हैं? तंग करते हैं लाइक कभी हम लोग बैठे होते हैं ना तो वो लाइक पिंच काटते हैं। मारते हैं? नहीं मारते। ओके चले जी, सवाल करते हैं। एक आदमी ने फुटबॉल को किक मारी, अच्छा अब फुटबॉल किसी चीज से टकराएगा तो वापस आएगा? Obviously, बॉल से, दीवार से या बॉल? वो किसी चीज से नहीं टकराया फिर भी वापस आया है। हाउ? हिंट दें आप हमें। हिंट दो। अच्छा
वो ऐसी कौन सी जगह पे गया है, वो एक ऐसी चीज से टकराया है जो विजिबल ही नहीं है? सींग हुआ। चल मैं कोई और सवाल कर लेती हूँ, ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। समंदर के ऊपर क्या है? समंदर के हिंट दे देती हूँ जी, छोटी सी चीज, मगर उसके बगैर समंदर मुकम्मल नहीं है। वो फिशेस, वो ऊपर नहीं, सन, क्लाउड्स, बर्ड्स, मामू के लिए क्या सुनाएं? मैं मैसेज देना चाहूँगा यही कि आजकल हम ना टाइम्स वगैरह सारे देखते हैं, इसमें एक आवर्स की होती है और एक मिनट्स की होती है, एक सेकंड की होती है। आवर्स और मिनट्स में हम देखते हैं लेकिन सेकंड को नहीं इतना इम्पोर्टेंस देते। देन सेकंड ऐसे ही है जैसे हमारी फैमिली है, मदर्स हो गई, सिस्टर हो गए, ब्रदर हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम दें, बस मैं यही कहूँगा। चलो ठीक है, आप देते हैं टाइम। हाँ जी नाइस, आप क्या सुनाएंगे? मैं शाम जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। थैंक यू। वाओ वेरी नाइस। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? सोशल स्टडीज। वाओ, और बुरा कौन सा लगता? मैथ्स। अलीफ बे आती? श्योर सुनाओ। थोड़ी सी सुनाओ, चलो। अलीफ बे पे अलीफ बे पे ते ते से जी चे हे दाल जाल। ठीक है हे खाबी हे भूल गई थी, चलो आगे चलो। हे दाल दाल जा दाल जाल दाल जाल रे अरे अरे एबीसी तो पूरी आती होगी? नहीं आनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम अलीफ बे पूरी याद करनी है, ठीक है? अक्सर बच्चों को देखते हैं उनको अलीफ बे नहीं आती, एबीसी पूरी याद होती है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम याद करनी है, पक्का? हम कहीं मिलेंगे जरूर अगेन, ठीक है? लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गए। जी बहुत ही क्यूट बच्ची थी, मगर मैं फिर से ये बात कोट करूंगी कि भाई बच्चों को अलीफ बे नहीं आती, एबीसी पूरी आती है। एबीसी आना ज़रूरी है मगर अलिफ बे आना उससे भी ज़रूरी है। प्लीज़ अपनी पहचान को ना भूला करें, जो आपकी एटलीस्ट अपनी चीज़ है। उर्दू आपकी कौमी ज़ुबान है, आपको उर्दू आनी चाहिए। जब तक आपको अलिफ बे नहीं आएगी तो उर्दू आपको खे आनी है। वेरी बैड, लिटरली वेरी बैड। बच्चों को उर्दू नहीं आती, अलिफ बे नहीं आती, तो मैंने आज का टारगेट किया हुआ है, जो मुझे मिलेगा जिसको अलीफ बे नहीं आती है तो मैं उसको लगाऊंगी, दूसरा नेक्स्ट टाइम वो अलीफ बे याद करके आएगा। सही है ना? किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम इमरान बेग। रेहान रमशे इमरान बेग। माशाल्लाह, कौन सी क्लास में आप? 5-2। ये तो नहीं जाता होगा? नहीं, अभी नहीं जाता। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ओके माशाल्लाह। इन दोनों की आंखों का कलर किस पे है? ये डिफरेंट है और हमारा ये मिक्स, इसका भी डिफरेंट है, ये अपनी माँ का है। ओके माशाल्लाह। बाकी ये इसकी कलर बहुत प्यारी आँखें माशाल्लाह, आपकी भी प्यारी हैं। चले जी मुझे बताएं वो कौन सा मुर्ग है जो अंडे देता है? मुर्ग कोई अंडा नहीं देता। देता है, बताएं कौन सा? शुतुरमुर्ग। क्लैपिंग करो अब्बा के लिए। क्या सुनाएंगे? पहले बच्चों से सुन लीजिए। क्या सुनाओगे? हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा क्या हो जाए जीता, तुझसे जुदा क्या वजूद मेरा, अब तुम भी हो मेरी जिंदगी, अब तुम भी हो चैनरी, मेरा दिल दबी मेरी आशिकी, अब तुम भी हो। वाह बेटा। बाबा ब्लैक शीप हैवी मैंने बोल, यस सर शीप है, वन फॉर मास्टर वन फॉर ले, वन फॉर लिटिल बॉय वन फॉर। आपने पॉइंट सुना सुनाते हैं ना, पेंटर
आप क्या सुनाएं? मैं सॉन्ग सुना देता हूँ, सॉन्ग सुना देता हूँ। ऐसी जमी और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। वाह, नाइस। फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश, साइंस। अली भी आती है? अली भी आती है। मैं आजकल जिस बच्चे को मिल रही हूँ उसको अलिफ बे नहीं आती, मैं उसके अम्मा अब्बा को पकड़ लेती हूँ, मुझे बताएं। कंफ्यूज हो गए, इनको बिल्कुल अलिफ बे आती है। नहीं आती, आपको पता है मैंने 70% बच्चों से सुना है उनको एबीसी आती है, अलिफ बे नहीं आती। एकदम बच्चों से पूछे तो बच्चे एकदम शाय हो जाते हैं। नहीं जी, वो पूरे सुनाओ, जितने कॉन्फिडेंस से गाना सुनाया। आती आती है ना, क्यों? कहाँ पे रहते हैं आप? फाइव फ्लोर। इधर आते जाते हैं? चलो, मैंने नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अब तब कंफ्यूज कर दिया बच्चों को। नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होनी है मेरी, अली बे याद करके आनी है। ओके, ठीक है। टीवी पे लोगों ने नोटिस कर लिया, अब आपको भी, ये भी उन 70% बच्चों में शामिल हो गए लाहौर के। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू बेटा जी। एक और फैमिली, अली बे नहीं आती, अफसोस की बात है। वेरी बैड, पेरेंट्स का कसूर है, इसमें बच्चों का क्या कसूर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। बहुत मज़ा आया मुझे आज आप लोगों के साथ। चलिए जी, आज के दो सवाल। वो कौन सा मुर्ग है जो अंडा देता है? भाई मुर्गी देती थी, आज मुर्गे ने अंडा देना शुरू कर दिया। जी वो शितर मुर्ग है जो अंडा देता है, सही हो गया। दूसरा आपका सवाल, वो कौन से दो खौफ हैं जब हम पैदा होते हैं तो वो हमें मिलते हैं और कयामत तक हमारे साथ रहते हैं? तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक डर होता है फॉलिंग और नॉइस का, जब शोर का और ऊंची आवाज़ों का और गिरने का, ठीक है। चलें, वो एंड तक रहते हैं। ओके, और मैं आपसे इजाज़त दूंगी। और आज का टैलेंट ऑफ द डे स्पेसिफिक तो कोई भी नहीं है मेरे पास, लेकिन वो लोग जो 100 रुपये में आपको टैटू बना के दे रहे हैं, वो एक अच्छा था। सस्ता में आपको टैटू मिल रहा है तो वो भी एक टैलेंट ही है, कि सस्ते में चीज़ निकाल दी उन्होंने, तो वो एक टैलेंट होगा, ठीक है। ओके, तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आपका, मेरा, हम सब का फेवरेट प्रोग्राम भूजो तो जीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखना है। मुझे अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दें और अपना, मेरा, सबका फेवरेट प्रोग्राम भूजो तो जीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखते रहें, खूबसूरत रहें, अच्छा अच्छा रेडी होएं। मुझे अलीना हारून को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।